भाई साहब देख रहे रैनो के साथ चिल कर रहा है टाइगर। पब्लिक अपनी एकदम फुल चिल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो दिस इज डे टू इन चितवन और आज होने वाला है एक्साइटिंग दिन जिसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं, वो है जंगल सफारी। तो 6:30 तक हमारी गाड़ी, वो जंगल सफारी वाली गाड़ी होती है ना जिसमें 8-10 लोग बैठते हैं, बोलेरो वाली ग्रीन कलर की, तो उसमें हम जाने वाले हैं जंगल में और मज़े करेंगे, देखेंगे। किस्मत रही तो अच्छे अच्छे और क्लोजली हम काफ़ी वाइल्ड एनिमल्स को, जंगली जानवरों को देखने वाले हैं। तो अभी भाग रहा हूँ मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, उसके बाद डायरेक्टली मीटअप पॉइंट पे मिलना है और वहाँ से गाड़ी पे चढ़ के निकलना है जंगल में। एक्साइटेड। आशा करता हूँ आप लोगों को भी ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी, है ना। अगर पसंद आ रही है किसी भी रीज़न की वजह से तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कमेंट में कि आपको कैसे लग रहा है सब कुछ। बढ़िया है। क्रिएटिविटी देख रहे हो, ये क्या है तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा। और उसके नीचे देखो क्या है, बल्ब। नाइस ना। और हाँ, कल रात को जैसे मैं बता रहा था, यहाँ पे मेन गेट है, वहाँ पे राइनो भी आया था रात को। तो हम सब चल पड़े हैं जंगल सफारी के लिए जिसके लिए यहाँ पे आए थे। ये कल वही वाला रास्ता है, देखते हैं आज अपने को राइनो, हाथी। क्या हाथी तो वैसे यहाँ पे है ब्रीडिंग सेंटर्स में, मगरमच्छ भी दिख जाते हैं, घड़ियाल भी दिख जाते हैं। तो मेन मकसद है टाइगर देखना, मतलब इको टाइगर देखना। तो देखते हो दिखता है कि नहीं। डॉगी टूची, वो देखो वहाँ पे, ये यहाँ पे खुले में घूम रहा है भाई साहब, घास खा रहा है घास। तो अभी हम यहाँ से नीचे जाएंगे, वहाँ पे बोट होगी, बोट से क्रॉस करना है ना। आज है यहाँ पे एलिगेटर, किधर है वो देखिए ना पानी में। अच्छा हाँ, नाग दिख रही है खाली। चला चला लवकर, यहाँ पे सब आ रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पे ऑलरेडी है, मतलब कैमरे में नहीं दिख रहा होगा बट उनकी नाक बाहर है पानी से, वहाँ पर भी है। हाँ दिखा दिखा, वो वहाँ पे भी है ना। तो यहाँ से वहाँ पे क्रॉस करते हुए ये दोनों बोट में, हाँ दोनों बोट्स में छे छे। शशि शशि शशि, वो मैं ही लाया था ऐसे। ये इनको इनको भी कैमरा थमा दिया है। देख रहे हो, इनको भी ब्लॉगर बना दिया है। ऐसा तो गर्मी से हाल बेहाल हो चुके हैं ऑलरेडी। अरे फुल पसीना पसीना हो गया, फुल पसीना पसीना हो गया। हम दोनों को देखो, हम थके नहीं है, हम बस गीले हुए हैं, हम थके नहीं है। बाकी हर एक गाड़ी में 3-3 6-6 का स्पॉट बना हुआ है, उसके साथ गाइड आएगा और एक ड्राइवर आएगा। जाओ, जाओ चलो। 20 किलोमीटर का सफारी है, एक ही रास्ता है, उसी से घूम कर आना है।
चलो थोड़ा वो रास्ता है। जंगल में भी सीसीटीवी लगा है। दिस ऑल ग्रास इज कॉल्ड एलिफेंट ग्रास। ओके, तो ये जो हमारे गजराज जी हैं उनका फेवरेट ग्रास है ये खाने का, तो अमूमन वो यही खा के अपना गुजारा करते हैं, गुजर बसर करते हैं। तो बहुत सारी है, ये उगाई भी जाती है यहाँ पे ताकि उनको काफ़ी ज़्यादा अबेंडेंस में खाना मिलता रहे। तो ये कैसे है, यहाँ पे जंगल जलाया जाता है कंट्रोल्ड वे में, है ना, तो आप लोगों को कैमरा में दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पे देखो फिर फ्रेश नई ग्रीन ग्रास आती है, तो ये बहुत ही कंट्रोल्ड वे में किया जाता है ताकि जंगल को कतई नुकसान ना हो और नई घास हो और वो जानवरों के खाने के, मतलब हिरन के हाथियों के खाने के काम आए। किधर? एक मिनट, ओ नहीं, काला बगला पानी में जाता तो सांप ही लग गए। तो ये हमको राइनो देखने को मिला है जो अपना मुल्तानी मिट्टी के लेप से लथपथ, फुल बॉडी स्पा चल रहा है इनका। तो ऑलमोस्ट हमें मुझे लगता है एक घंटा हो गया जंगल में घूमते घूमते। दूर से अभी सुअर दिखा था, वाइल्ड बोर जिसे बोलते हैं वो दिखा था, पर दो तीन गाड़ियां आमने सामने आई और वो पतली गली से निकल गया, फुर्सत में निकल गया। पहली पतली बहुत चौड़ी गली है, और उसके अलावा नींद कहाँ से आ रही है क्योंकि सेम चीज़ें हो रही हैं, वही चिड़िया वही है, चिड़िया थी किसी की, चिड़िया उड़ हो गए। अच्छा, सोने की चिड़िया देखी कभी? नहीं। हाँ मुंबई, सोने की चिड़िया दिखाते हैं, समझ रहे हो, सोने की चिड़िया वो देख। दो चीज मतलब दो और जानवर दिखे, एक तो तीन चार हिरनों का झुंड था और एक पार्किंग डियर। किधर है, किधर? हाँ जंगली सुअर है वहाँ पे, दिख नहीं रहा है कि नहीं, पता नहीं घूम के। तो और जंगली सुअर भी दिखा था बीच रास्ते में बट निकल गया था। सही है, काफी स्पॉटिंग्स हो रही है बट शेर सिर्फ एक ही है। हाँ रिजॉर्ट नहीं है ये, आर्मी वालों का है ना, ये आर्मी वालों का कैंप है, अलाउड नहीं है तो कैमरा बंद करना पड़ेगा। तो ये घड़ियाल सेंटर है, घड़ियाल बोले तो हाँ पानी में दिखा था ना। जी 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 जी, मच्छी खाते हैं जो। ओके, तो अभी हम घड़ियाल देखेंगे यहाँ पे, मल्टी टैलेंटेड गाइड है हमारे यहाँ पे, और भी गाड़ियाँ आ रखी हैं। सो दिस इज द एंट्रेंस नाउ। चाय कॉफी ये सब की ब्रेक हो गई है, तो अब हम देखने जा रहे हैं पास से काफी घड़ियाल को, बोले तो एलिगेटर। फुटे है वो बच्चे हैं छोटे छोटे से,
चेक दिस आउट गाइस, देखो यहाँ पे सुस्ता रहे। तो ये क्या है, इनको पाला जा रहा है, यहाँ पे खाना पीना दिया जा रहा है, वो सुपर चिल मार रहे हैं, और बहुत अच्छी खुशबू है मच्छी की यहाँ पे। इंग्लिश में एलिगेटर बोलते हैं, क्या बोलती पब्लिक, मजे में ये अपने बंटाई पब्लिक एक नंबर तरीके से बैठी हुई है चिल मारते हुए पानी में। अपने को भी ऐसा करने मांगता है अभी गर्मी में। छोटू से तो इन्होंने एज ग्रुप के हिसाब से सेग्रीगेशन करा हुआ है यहाँ पे। पब्लिक अपनी एकदम फुल चिल। हाँ तो अभी फोकस हो गया है, तो ये थोड़े बड़े वाले हैं अपने भाई लोग, तो कैसा है सेग्रीगेशन करा हुआ है, बच्चा लोग अलग, थोड़ा बड़ा अलग, फिर उससे बड़ा अलग, सबसे बड़ा अलग, ताकि ईगो क्लैश ना हो इनका। ओ देखो उसको एकदम पोज में गा रहा है। गाइस चेक दिस आउट, कमोडो ड्रैगन, क्या मस्त है। ये आएगा अभी हमारे पीछे, देखना तू, देख रहा है अपने को, देख रहा है अपने को। बैठो यहाँ पे, नहीं आने का और ज्यादा नजदीक नहीं जाने का इसके, बोले तो पब्लिक। बोले तो इनकी रिस्पेक्ट करने का, ये अपनी रिस्पेक्ट करेंगी, तो पास में नहीं जाने का, पीछे दौड़ के भी आ सकता है और काटता भी है ये अच्छा वाला। तो ये भैया आ चुके हैं बाहर, ए वो चौड़ा आ रहा है, ए येड़िया। मजा आ रहा है। बाय बाय बाय। किसका है? अच्छा हाँ, बालू का गड्ढा था वहाँ पे, मतलब बिल था। गाइस चेक दिस आउट, अपने को दो राइनो के बच्चे मिले हैं, मतलब बेबी राइनो मिले हैं। वाह, पास से देखने पे क्या अमेजिंग दिखते हैं ये लोग, घास खा रहे हैं बेचारे। जंगली सुअर है वहाँ पे, ये यहाँ पे झुंड में, तो ये शोर नहीं कर सकते, अगर हल्की सी भी आवाज़ आई तो 9 to 11 हो जाएंगे, है ना, जंगली सुअर। तो अभी हमें देखने को मिल रहे हैं लंगूर यहाँ पे, सॉरी वी आर डिस्टर्बिंग यू। हाँ मेरे वहाँ घर में तो जम्मू में ऐसे ही आते हैं। क्यूट से बच्चे थे ना। तो आज का कार्यक्रम हुआ समाप्त। अबे जब हम आए थे तब पानी नहीं था ना, ये पानी कहाँ से है? अरे हाँ तेज हो गया पानी, लुल हो गया है पानी यहाँ पे, तेज हो गया है, जूते वूते गीले होने वाले हैं, तो बाकी सब बढ़िया है। शेर वेर तो नहीं दिखा,
चलते हैं रूम पे, गर्मी बहुत ज़्यादा है, मौसम बहुत ख़राब है, बहुत गर्म है, हाल बेहाल हो रखे हैं। नेपाल इज़ वेरी हॉट है। हमारा जो होटल है यहाँ पे राइनो आया हुआ है, वही मैं दिखा रहा था आप लोगों को, देख रहा हूँ तो आज के व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। सब लोग बाहर गए हुए हैं, मैं थक गया था तो मैंने चिल मारा, सो गया, 3-4 घंटे की नींद मारी। और कल होपफुली प्लान तो यही है, कल हम अपनी लैला से मिलेंगे लखनऊ में। एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स मेरे को लैला के साथ निकलना है घर की तरफ, आमची मुंबई की तरफ। काफ़ी एक्साइटेड हूँ मिलने के लिए लैला को। स्पेशल सीरियसली आप लोग जो राइड करते हैं वो लोग पक्का रिलेट करेंगे इस फीलिंग के साथ। फाइनली यही है कि मेरे को लैला को 5वें या 6ठे गियर में लेकर जाना है फ्रॉम लखनऊ टू ऑल द वे मुंबई। आराम आराम से कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे। लैला भी बहुत वेट कर रही है, जस्ट थोड़ा सा नर्वस हूँ कि कुछ किसी ने छेड़छाड़ ना की हो लैला के साथ, बाकी सही है। मिलते हैं कल लखनऊ से। दिस इज़ टाइगर कोल साइनिंग ऑफ फ्रॉम चितवन नेपाल। एज ऑलवेज स्टे कूल, स्टे हेल्दी, स्टे अहेड, डोंट फॉरगेट टू स्टे सेक्सी बॉयज, ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर माता श्री और पिताश्री, ध्यान रखिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। विद दैट पीस आउट।